तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, बाकी आप डेकोरेशन में ही देखना। तो ये देखिए हमने किस टाइप की बनाई है, एक झालर टाइप की, और ये पिचकारी बनाई है थी। तो कल रात हम लोग वो पिचकारियाँ एंड बैलून स्प्रेज वगैरह लेने गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक होली व्लॉग। सो ये बड़ा होने वाला, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये 3-4 डेज का होने वाला है। इसमें दुज भी इंक्लूड है एंड होली जलना वगैरह एंड एवरीथिंग। तो कल रात हम लोग वो पिचकारियाँ एंड बैलून स्प्रेज वगैरह लेने गए थे, तो उसकी मैंने क्लिप डाल दी, आप देख सकते हो। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था तो मैंने डाल दिए। एंड नाउ अभी हम लोग ने सोचा है कि हम लोग होली का पूरा डेकोरेट करेंगे। कल होली जलेगी तो सब दी लोग आते हैं हमारे घर, तो हम लोग सोचे बहुत ही फन करेंगे। एंड कल हम लोग जहाँ तक है नानी घर भी जाएंगे, तो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाऊंगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। गाइज अभी हमारे घर में ख्याति आई हुई है एंड आप जानते हैं कितनी शैतान है, तो अगर हमने उसके सामने सब प्रिपरेशंस करना शुरू कर दी तो वो तो पता नहीं क्या ही करेगी। तो इसलिए अभी हमने शुरू नहीं किया, वो थोड़ी देर बाद चली जाएगी तभी हम लोग करेंगे। तो अभी वो ऊपर खेलने गई है गौरी के साथ, तो मैंने कहा अभी जाए तब तक मैं व्लॉग शूट कर लूँगी, वरना वो मुझे बनाने नहीं देगी, वो अपनी कहानी सुनाएगी। तो अभी आप लोग इन्जॉय करना, अब बाकी आगे का तो कुछ बता नहीं सकते, आप लोग खुद ही देख सकते हो। सो गाइज अभी हम लोग बैलून्स एंड कलर्स वगैरह लेने आए हैं शॉप पर, तो जैसे कि आप देख ही सकते हो। तो ये मैं कल लेकर आई हूँ होली का सामान, ये मेरे पुराने बैलून्स रखे थे, और ये स्प्रे है, और ये पाइप्स वाले बैलून्स हैं, और ये हेयर बैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं ले आई। और चलिए मैं आपको आरफ की पिचकारी दिखाती हूँ, ये है आरफ की पिचकारी। गाइस फाइनली अभी जस्ट हमारा थोड़ा डेकोरेशन का काम कंप्लीट हुआ है, अभी पता 10 बज चुके हैं, हम लोग बैठे थे 5 o'clock, तो अभी भी लेकिन थोड़ा बहुत रह गया, तो हमने कहा चलो छोड़ो कल करना है। लेकिन कल दोपहर से ही बुआ लोग आना शुरू हो जाएंगे, तो हमें सुबह ही सुबह उठ के पूरा डेकोरेट करना होगा होली का। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, बाकी आप डेकोरेशन में ही देखना। तो ये देखिए हमने किस टाइप की बनाई है, एक झालर टाइप की, और ये पिचकारी बनाई है, और एक बकेट बनाई है। अब बाकी आप डेकोरेशन देखोगे ना तो आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। गाइज अभी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी बहुत कुछ बचा है कि मैं मतलब कंफ्यूज हूँ क्या करूँ, कि मतलब कल क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल नानी घर जाना है, यहाँ पे सब बोलो भी आएंगी, एंड सो कंफ्यूज, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे मैं क्या पहनूँ। गॉड मतलब यार देखो, पहनूँ थोड़ा गंदा पहनूँ अच्छी लगूँ, हाँ रंग वंग गिरेगा लेकिन थोड़ा अच्छा पहनूँ यार अच्छा लगेगा सब लगते। एंड मैं आपको बता नहीं सकती इस समय मैं कितनी खुश हूँ, कितनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कल सुबह ही सुबह मैं बिल्कुल उठ के सब डेकोरेट करूँगी। एंड ओह माय गॉड मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, आप लोग को बता नहीं सकती। ओह गॉड एक्चुअली मुझे ना ये सब डेकोरेशन करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में बहुत मज़ा आता है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। याहू सो एक्साइटेड फॉर द होली। एंड होली होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, ये तो दिवाली भी नहीं है बट होली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं जा रही हूँ कपड़े चूज़ करने कि क्या पहनना है, तो मैं आप लोग को दिखा दूँगी क्या पहनूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। भैया दूज का तो मैंने देख लिया, कहीं ना कहीं से मुझे मिल जाएगा, बट कल क्या पहनूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फाइनली गाइज मेरे कपड़े भी डिसाइड हो गए एंड एवरीथिंग। तो अभी मैं अभी 12 o'clock बजने ही वाला है थोड़ी देर में, तो मैं जा ही रही हूँ सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है एंड बहुत एक्साइटेड हूँ। आई नो आपको मेरी फिजूल की बातों से बहुत ही बोरिंग व्लॉग लगने लग गया होगा, बट आप आगे देखोगे ना इट्स अमेजिंग शायद, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है इस होली, बहुत मज़ा आने वाला है। याहू
मीडियम हाउस हट एम आई आर मिर्जापुर यस बच्चों की पार्टी लग रही है गाइस तो अभी हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो मैं और आरव डेनो बने हैं बाकी सब लोग छुप रहे हैं तो बहुत ही मज़े आ रहे हैं हम लोग को एंड पता है पलक दीदी भी आ गई हैं तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं एंड आप लोग देख ही लिया होगा ना चलो हम लोग बात हाँ तो हम लोग बालकनी में आ गए पड़ी हुई है ये मैं हूँ ये आरव है और यहाँ भाई हाइड एंड सीक हो रही है सो गाइस कल होली है एंड आई एम सो एक्साइटेड फिलहाल अभी पलक दीदी भी आ गई एंड आई मिस यू बॉय दीदी जो कि पंजाब में है कजिन डॉक्यूमेंट वाली थोड़ी देर बाद होली चलने वाली है एंड अभी हम लोग पुतने वाले बहुत भी जाएगी से इसलिए मैं घर के कपड़ों में आ चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा क्या हाल होने वाला है एंड यहाँ पे जितने भी बैलून्स वगैरह हैं ना तो हमने गेम बनाया है कि सब लोगों को बचना होगा बैलून से और जिसमें पड़ गया बस वो गीला हर बार हम लोग कभी ऐसा नहीं करते थे पर क्योंकि सब लोग एक्सक्यूज आए थे हमारा एग्ज़ाम है और ये है वो है पर इस बार सबके एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके तो बहुत ही मज़ा आने वाला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा Hey guys, good morning and happy होली to all of you. तो अभी मैं बैलून फुलाने जा रही हूँ क्योंकि आज है मेन खेलने वाली होली तो मैं अभी बैलून फुला रही हूँ एंड तभी दिखाऊंगी सो गाइज जैसे कि आप देख ही सकते हैं सब लोग बैलून फुला रहे हैं यहाँ पे गौरी भी फुला रही है एंड वहाँ पे आरव फुला रहे हैं मैं भी फुला रही हूँ लेकिन अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ किसी की ठीक है उसमें कर दो गाइस यहाँ पे अनिकेत फुला रहा है ये देखिए हाथ कैसे हो रहे हैं इस लड़के के ये रंग पक्का रंग इस्तेमाल कर रहा है ना आज तो बहुत ही क्या हो जाने वाला पता नहीं तो मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है अगर आपको आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना देखिए मेरे सब पक्का रंग लग गया है एंड मैं बस इसी बात में हूँ कि बस कैसे निकलेगा तो अभी मैंने अपने बैलून्स फुला लिए हैं ये हैं और गौरी के बैलून्स ये हैं और ये हमारा पूल भी बिल्कुल तैयार हो गया अरे तुमने लड़ाई मत करो
एंड अभी हम लोग की होली शुरू नहीं हुई है, अभी कितने बज रहे हैं, यस अभी 10 o'clock हो चुका है एंड अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे वहीं बाहर बैठ के या मे बी फूड में। तो और उसके बाद हम लोग होली एंड अभी तक ये डेकोरेशन लगी हुई है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है, लेकिन वो टेबल तो ख़राब हुई कल ही हो गई थी, तो अभी मैं खाना खा रही हूँ एंड उसके बाद शुरू होगी हमारी पूरी वाली होली। एंड मेरे हैंड देखिए घिन आ रही यार मुझे खाने में। एंड पता है आप लोग को, हम लोग 8 o'clock पे ही उठ गए थे, मतलब 7 o'clock पे ही उठे हुए थे लेकिन लेट हुए थे ऐसे। उसके बाद फिर हम लोग ने थोड़ी देर टीवी देखी और उसके बाद फिर जो उठे हैं सब के सब एक साथ फिर, तो चलिए मैं आपको बाद में मिलती हूँ। कह सकते हो हम लोग कितने पोते हुए हैं, मैं तो पूरी लग रही हूँ। और ये है अंशी मेरी फ्रेंड और इसका भी चैनल है हाँ अच्छी होली, तो उसको भी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो अभी व्लॉग खत्म नहीं हुआ, अभी तो कल का भी दिखाना है, मतलब दूज का भी नहीं गौरी ऐसा मत कर। तो अभी हम लोग बाद मिलते हैं, अभी हम लोग को होली खेलने के बाद मिलती हूँ। बना दिया स्प्रे से और हम लोग बहुत दूरी तरीके से पूछ चुके हैं एंड मैंने गौरी के बालों में डाई भी करा है स्प्रे का। तो क्या हुआ एंड यहाँ पे आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं ना, यहाँ पे लिखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये है पार्ट और यहाँ पे बहुत ही गदर वाली होली चल रही है, क्या होता हूँ मैं बहुत बुरे हो तुम लोग। हैप्पी होली, ये देखिए धोखा हम लोग के ना यहाँ पे बिल्कुल टीमिंग बच जाती है, दूसरा वो दुश्मन होता है और हम लोग को बहुत अच्छे से उसे रंगा। तो अभी हम लोग का हो ही चुका है लगभग, तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं बस, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं निकाल नहीं पाऊंगी सारा रंग भाई। ठीक है यार, तो मेरे बाल को मैंने नहीं वो अच्छा ये कर रही है मत कर यार। देख ही सकते हो हम लोग ने कितने मज़े किए इस वाले होली में एंड मेरे रंग मेरे मुंह पे सब किसी ने क्या सब ने ही पक्का रंग लगा दिया था, बहुत बुरा हाल और कैसे तैसे मैंने छुटाया और अभी भी थोड़ा बहुत रह गया वो, चलो कल परसों में। और मतलब मेरे हाथ भी तो काले काले हो रहे हैं, क्या होता हूँ। तो हैप्पी होली आप लोग को फिर से। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ एंड गौरी के पता पूरा ऐसे लगा हुआ है अभी भी रंग, उसका भी नहीं छूटा अभी। तो अभी अगर आज कुछ स्पेशल होगा तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, वरना सीधे कल, क्योंकि कल है भैया दूज और तो कल बनाएंगे व्लॉग अच्छा सा, क्योंकि आज तो कुछ स्पेशल नहीं होगा। अब हम लोग खाएंगे पियेंगे और बस आराम करेंगे, नथिंग स्पेशल। अगर हाँ शाम को कहीं जाना उतना होता है या कुछ भी होता है तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो ओके बाय, तब तक ले हैप्पी भैया दूज टू ऑल ऑफ यू। सो सुबह हम लोग कुछ कर नहीं रहे थे, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, नथिंग एल्स। तो अभी शाम हो गई है एंड सब गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं कहा चलो स्टार्ट करती हूँ व्लॉग बनाना। सो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं आपको कुछ फोटोज़ में अपना दिखा दूँगी ड्रेस है एक। ओके नाउ तो सब लोग आने वाले हैं, तो इस भैया दूज में हम लोग भाइयों का टीका करेंगे, खाएँगे पियेंगे and games खेलेंगे हम सब बच्चे पार्टी। so it will be a lot of fun for me but not for you because मैं कैमरे में इतने अच्छे से दिखा नहीं पाती जितने अच्छे से मैं enjoy तो अगर अच्छे से नहीं बन पाया तो sorry and अगर आपको ये vlog अच्छा लग रहा है ना तो please like कर देना and subscribe भी कर देना और share भी कर देना, तो आगे vlog enjoy कीजिए।
थोड़ा सा हॉरर साउंड्स हो जाएंगे एंड देखते हैं हमारे रिजल्ट क्या होने वाला है. सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन. So thank you guys for watching this vlog and please don't forget to like, subscribe and share to this channel and happy Mayadhuj. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company.